आजकल हार्ट अटैक के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। खराब लाइफस्टाइल और खानपान की वजह से लोग तेजी से इसकी चपेट में आ रहे हैं। अब तक युवाओं के लिए यह सबसे बड़ी चिंता बन रही थी, लेकिन अब बच्चे भी इसका शिकार बनने लगे हैं। खंडवा शहर में कई ऐसे युवा हैं थे जिन्हें कम उम्र में हार्ट अटैक आ गया था, लेकिन इसके पीछे की कई वजह डॉक्टर ने बताई। हार्ट के डॉक्टर पंकज जैन ने बताया कि आज के युवा बीड़ी, सिगरेट और नशे का सेवन करते हैं। इसके साथ ही उनकी दिनचर्या में भी बहुत बदलाव आए हैं। वहीं आपको बता दें कि इससे पहले सुष्मिता सेन और सैफ अली खान तक को हार्ट अटैक आ चुका है। इतना ही नहीं, कई ऐसे फिल्मी सितारे हैं रहे हैं जिनकी मौत हार्ट अटैक के चलते हुई है। इसके अलावा बच्चों में भी यही स्थिति आम होती जा रही है। कुछ दिनों पहले स्वास्थ्य मंत्रालय का भी एक बयान आया था कि कोविड के बाद लोगों के दिल कमजोर हो गए हैं, जिसकी वजह से किसी भी मेहनत वाले काम को करने में हार्ट अटैक का खतरा है। इतना ही नहीं, छोटी छोटी उम्र के बच्चों में भी ये समस्या देखी जा रही है। इसलिए अब जरूरी हो गया है कि इस बीमारी को व्यापक तौर पर समझा जाए, इसके बारे में बात की जाए और इसी स्थिति से बचा जाए। डॉक्टर पंकज जैन ने जानकारी देते हुए बताया कि दिल के दौरे के लक्षण अलग अलग होते हैं, जैसे पुरुषों में अलग और महिलाओं में अलग, लेकिन कुछ लक्षण दोनों में ही एक जैसे हो सकते हैं, जैसे कि सीने में दर्द, जो दबाव, जकड़न, दर्द, निचोड़न या दर्द जैसा महसूस हो सकता है। दर्द या बेचैनी जो कंधे, बाहां, पीठ, गर्दन, जबड़े, दांत या कभी कभी ऊपरी पेट तक फैल जाती है। ठंडा पसीना आने का भी एक लक्षण हो सकता है। सर, यंग लोगों को भी हार्ट अटैक आ रहा है, इसके क्या सिम्टम है बता पाए? नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर पंकज कुमार जैन है। मैं एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ मेडिकल कॉलेज खंडवा, एसोसिएट विद डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। अभी मैं जो मेडिसिन डिपार्टमेंट में कार्यरत हूँ, और जो देखा जा रहा है कि यंग पीपल में भी हार्ट अटैक के ज़्यादा पेशेंट आ रहे हैं। जो मुख्यतः जो कारण जो सामने देखने में आया है कि पोस्ट वायरल मायोकार्डाइटिस जो कह रहे हैं, जिसको कई बार सिंपल अगर फीवर कहते हैं, फीवर आने पर भी पेशेंट आ नहीं रहे, बराबर दिखा नहीं रहे, उसके कारण कुछ पेशेंट्स में, कुछ परसेंट पेशेंट्स में हार्ट पे भी असर कर रहा है, जिसके कारण कि उनको हार्ट अटैक आने का खतरा बढ़ रहा है। उसके अलावा जो और मेजर जो कारण है कि खराब लाइफ स्टाइल है, कि दिनचर्या आजकल बहुत बदल गई है, लेट तक सोना, लेट तक सुबह लेट उठना, उसके अलावा एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल हो गई है, और सबसे महत्वपूर्ण जो कारण है स्ट्रेस। आज के समय में जो युवा जो है स्ट्रेस के बहुत ज़्यादा शिकार हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा तनाव ले रहे हैं, छोटी छोटी चीज़ों में तनाव ले रहे हैं, वो भी कारण है। साथ ही साथ जो युवाओं में जो धूम्रपान करने की और एल्कोहल सेवन की जो हो रहा है, इसके कारण भी ये जो पेशेंट्स बढ़ रहे हैं। सर, इसके बचाव मतलब इस हार्ट अटैक जैसे आता है तो पता कैसे चल पाता है व्यक्ति को, सडन आदमी खत्म हो जाता है, इसको लेकर आए? हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि कई बार अमूमन देखा गया है कि सीने में दर्द हो रहा है, तो कई बार डिफ्रेंशिएट करवाना मुश्किल होता है कि सीने में दर्द जो हो रहा है वो हार्ट अटैक के कारण हो रहा है या फिर सिंपल गैस का दर्द है या फिर बदहजमी के कारण होता है। देखिए, मोटा मोटा अगर हार्ट अटैक आता है या अगर उसके जो सिम्टम्स रहते हैं, जो ये रहता है कि एकदम से चेस्ट पेन होना, चेस्ट पेन होने के साथ साथ पसीना आता है, पसीना आने के साथ साथ जो हार्ट पेन, हार्ट अटैक का जो दर्द होता है वो लेफ्ट साइड सीने में होता है, लेफ्ट हैंड तक जाता है, कई बार जबड़े तक रेडिएट होता है, पीछे पीठ तक भी जा सकता है, ये टिपिकल सिम्टम्स होते हैं। उसके अलावा जब ये पेशेंट आता है टिपिकल चेस्ट पेन हो रहा, ऐसा लग रहा है कि सीने पे बहुत भारीपन हो गया है, कुछ एकदम स्क्वीजिंग टाइप पेन रहता है, जबकि जो जनरली जो गैसेस पेन रहता है वो जरूरी नहीं कि लेफ्ट साइड ही, वो पूरे सीने में, पेट में, कहीं पे भी दर्द हो सकता है। जो गैस का जो दर्द होता है उसमें जो पेन रहता है कि डिफ्यूज टाइप का रहता है, कि कभी अलग जगह बता रहा है, कभी दूसरी जगह चेंज होती रहती पोजिशन, उसमें जो जनरली साथ साथ पसीना नहीं आता। हार्ट अटैक के कारण जो पेन होता है चेस्ट पेन, उसमें पेन जो रहता है आराम करने पे या जो हम सबलिंगुअल नाइट्राइट का टेबलेट देते हैं उससे आराम पड़ जाता है, जबकि जो गैस का अगर दर्द हो तो उसमें नाइट्राइट, सबलिंगुअल नाइट्राइट टेबलेट या फिर नाइट्रोग्लिसरीन टेबलेट से फर्क नहीं पड़ता है और वो कभी भी आता जाता है, जबकि हार्ट अटैक का पेन कंटिन्यू बना रहता है, इसलिए सिम्टम्स समझना जरूरी है। इसके साथ साथ और भी सिम्टम्स है, जैसे कि पेशेंट आ रहा है
एकदम उसको चक्कर आ रहा है या एकदम उसको आगे आंखों के आगे अंधेरी छा रही हो, साथ में और दर्द सीने पे हाथ दबा के बिल्कुल बैठा है पेशेंट, टिपिकल सिम्टम्स रहते हैं जिससे वो समझना बहुत जरूरी है। अगर इस तरह के कहीं पेशेंट अगर दिखते हैं या अगर सार्वजनिक प्लेसेस पे है, तो अगर एकम्पनाइंग पर्सन जो हम लोगों को जन जागरूकता के हिसाब से उनको थोड़ी एक जगह लिटा देना है, साथ में उनके जो कपड़े हैं उनको ढीले करना है, उनको पुश करना है। कई बार कार्डियक अरेस्ट हो जाए तो इतना टाइम नहीं दे पाता जिससे कि मरीज जो कि अस्पताल तक भी पहुंच पाए, तो एकम्पनाइंग पर्सन जो भी है, सिंपल में आम जनता से भी अनुरोध करना चाहूंगा कि एक CPR टेक्निक रहती है, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन, जैसा कि कई बार आपने देखा होगा टेलीविजन में, या कई बार इस तरह की कुछ ट्रेनिंग भी दी जाती है कि अगर मरीज कोई जा रहा है या पब्लिक प्लेस पे, खासतौर पे जैसे एयरपोर्ट रहता है, मॉल रहते हैं, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड या इस जगह पे, कई बार इस तरह की ट्रेनिंग सुरक्षा कर्मियों को भी दी जाती है, अगर उस ट्रेनिंग का यूज किया जाए तो उससे हम लोग कई जान बचा सकते हैं, क्योंकि सडन कार्डियक अरेस्ट में समय नहीं मिल पाता मरीज को। उसमें करना ये रहता है कि अगर मरीज इस तरह का दिखता है जो कि सडन कार्डियक अरेस्ट आया है, पसीना है, सीने में दर्द, तो बेहोशी खा के अगर गिरा है, तो उसके सिंपल हमको पंपिंग करना पड़ती है जिसकी कुछ स्पेशल टेक्निक्स रहती है, उसका यूज करके इस तरह की जान बचाई जा सकती है। सर इसके और भी बचाव वो होंगे ना, कैसे और भी बचना है इससे? हाँ, इसमें बचाव का ये है कि कुछ चीज रहती है कि हम पहले से क्या तैयारी रखें। जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया गया कि जो खराब दिनचर्या जो रहती है कि वे सबसे पहले लाइफस्टाइल व्यवस्थित रखें, दूसरा धूम्रपान से दूर रहे, तीसरा अपने शरीर को स्वस्थ रखें, हमना एक्सरसाइज करें, प्रॉपर डाइट प्लान ले। और अगर पहले से किसी मरीज को कि हार्ट की कोई दिक्कत हो या ब्लड प्रेशर या शुगर की कोई दिक्कत हो, तो समय पर अपने मेडिसिन लें। कई बार ये देखा गया है कि शुरुआत में तो डॉक्टर्स को दिखा देते हैं लेकिन फिर बीच में इरेगुलर ट्रीटमेंट हो जाता है, ये इरेगुलर ट्रीटमेंट ज़्यादा खतरनाक होता है बजाय ये कि अगर रेगुलर ट्रीटमेंट ले रहे, इसलिए समय पर अपने डॉक्टर को दिखाए, परामर्श है। अगर इस तरह के कोई भी सिम्टम्स दिखते हैं, जैसा फिर से मैं एक बार बता देना चाहता हूँ कि सीने में दर्द हो रहा हो, घबराहट हो रही हो, पसीना आ रहा हो, सांस लेने में तकलीफ हो रही हो, चक्कर आ रहे हो, आंखों के आगे अंधेरी छा रही हो, तो